डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ की हिम्मत की वजह से इस बेशकीमती विरासत को तालिबान से बचाया जा सका। राजा दाहिर के ये सिक्के पाकिस्तान की तारीख का एक अहम हिस्सा है, लिहाजा पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले से मैं आर्यन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ जब हम खाई में गिरे तो हमें लॉर्ड बुद्धा का एक नया स्टैचू मिला जिसे रिक्लाइनिंग बुद्धा कहते हैं, और ये हमारी नई डिस्कवरी भी आर्यन साहब की हिम्मत का ही नतीजा है। मेरी नहीं, हम दोनों की। आर्यन साहब ने सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे जुनूबी एशिया की तहजीबी विरासत के लिए बहुत काम किया है, और इसके वास्ते हम हिंदुस्तान को इस खोज का आधा हिस्सा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी बोला, राजा दाहिर तो एक हिंदू हुक्मरान था जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो खुद को इस्लामिक मुल्क मानते हैं, इस लिहाज से तो आपको पूरी विरासत भारत को सौंप देनी चाहिए। डोंट यू एग्री? क्या आपको पड़ोसी मुल्कों के बीच अमन पसंद नहीं है? देखिए जनाब, ये सिक्के, ये धरोहर हमारी सांझी विरासत है, इसे आप धर्म में नहीं बांट सकते। धर्म सिर्फ तोड़ता है जबकि संस्कृति सबको जोड़ती है। तो डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, आप धर्म और भगवान को नहीं मानते क्या? मैं धर्म, भगवान या ऐसे किसी भी विचार को नहीं मानता जिसका कोई प्रमाण ना हो। आई एम अ मैन ऑफ फैक्ट्स, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी। आई बिलीव ओनली इन थिंग्स दैट कैन बी प्रूवन। ओके, थैंक यू।